यह खबर सोशल मीडिया की है जो आम जनमानस अपने विचार को सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करती है। धन्यवाद। वर्ष 1999 की 24 नवंबर देश के लिए राष्ट्रीय शर्म की काली तारीख। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 814 नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार ही थी, तभी एयरबस को तालिबानी आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। आतंकवादी हवाई जहाज को अमृतसर और फिर अफगानिस्तान के कंधार ले गए। अपने तीन खूंखार साथियों की रिहाई के लिए उग्रवादी अब तक 160 यात्रियों में से एक को शूट कर चुके थे। विमान के भीतर मातमी दहशत थी तो बाहर भारत सरकार सदमे में। इसी अगवा विमान के बिजनेस क्लास में अपनी दो स्विस महिला मित्रों के साथ एक और शख्स भी मौजूद था। यह शख्स थारोबेट्रे ग्योरी, स्विट्जरलैंड के इस सबसे अमीर आदमी को दुनिया करेंसी किंग के नाम से जानती है। स्विट्जरलैंड के साथ इटली की भी दोहरी नागरिकता का मालिक रोबेट्रे ग्योरी बहुचर्चित डेलारू नामक कंपनी का मालिक है। भारत समेत यह कंपनी दुनिया के कई देशों के नोट मुद्रा छापती है। विश्व की 90% करेंसी छापने की बिजनेस डील इस कंपनी के पास है। अब तक अकेले भारत से डेलारू कंपनी को 25% कमाई होती रही है। यह कंपनी करेंसी पेपर के अलावा पासपोर्ट, हाई सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंट, होलोग्राम और कैश प्रोसेसिंग सॉल्यूशन में भी डील करती है। देश में अभी तक असली नकली नोटों की पहचान करने वाली मशीनों की सप्लाई भी यही कंपनी करती रही है। याद करें, जैसे ही कंधार में विमान हाईजैक हुआ, स्विट्जरलैंड ने एक विशिष्ट दल को हाईजैकर से बातचीत करने के लिए कंधार भेजा था। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय जरूर दे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। भारत सरकार पर भी इस बात का दबाव था कि किसी भी कीमत पर वह करेंसी किंग रोबेट्रे ग्योरी और उसकी महिला मित्रों की सुरक्षा की गारंटी दे। आतंकियों ने उसे प्लेन के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। यात्री परेशान हो रहे थे, लेकिन ग्योरी आराम से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके पास सैटेलाइट पेन ड्राइव और फोन था। स्विट्जरलैंड के इस सबसे अमीर शख्स और दुनिया भर के नोटों को छापने वाली कंपनी का मालिक रोबेट्रे ग्योरी आखिर नेपाल क्या करने गया था? हो सकता है यह कोई बड़ा सवाल न हो, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि आखिर वह कौन सी सौदेबाजी थी जो भाजपा सरकार ने कुख्यात आतंकवादी मौलाना अजहर मसूद से की थी। भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तीन आतंकवादियों को जहां से लेकर स्वयं विदेश मंत्री जसवंत सिंह कंधार गए थे। कंधार कांड के रहस्यों पर यह कोई पहला सवाल नहीं है। ऐसे ही कुछ संगीन सवाल इससे पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ और तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह की किताब ए कॉल टू ऑनर आने के बाद भी उठे थे। संसद में इस मसले को ध्यानाकर्षण के जरिए उठा चुके राज्यसभा सांसद और पत्रकार राजीव शुक्ला कहते हैं, आडवाणी और जसवंत सिंह की पुस्तकें कंधार कांड के रहस्य पर से पर्दा हटाने की एक अप्रकट कोशिश थी, लेकिन ये दोनों किताबें यह सवाल उठाने में तो कामयाब रही कि आखिर वह कौन सी सौदेबाजी थी जो भाजपा सरकार ने कुख्यात आतंकवादी मौलाना अजहर मसूद से की थी। तो क्या करेंसी किंग रोबेट्रे ग्योरी की सकुशल रिहाई भी सौदेबाजी की एक शर्त या फिर ऐसी ही कोई लाचारी थी? फिलहाल इस सवाल का आधिकारिक जवाब अनुत्तरित है। CBI ने मारा RBI में छापा। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी और बिहार के लगभग 100 राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकली नोट मिलने की आम होती शिकायतों पर CBI की यह आम धारणा थी कि पाक की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोट भेज रही है और यही वजह है कि बॉर्डर के इलाकाई बैंकों में
नकली नोटों का लेनदेन चल रहा है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो नतीजा अविश्वसनीय था। दबिश के दौरान बैंकों से एक ही जवाब मिला कि नोट तो आरबीआई से मिल रहे हैं। यहां से मिली पुख्ता जानकारी के बाद सीबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई मुख्यालय में छापा मार दिया। वहां भी वैसे ही एकदम असली जैसे ऐसे नकली नोटों का जखीरा मिला जैसे नोट आईएसआई भारत में गलाती है। जब्त किए गए नोटों को सरकारी लैब भेजा गया। जांच में नकली नोटों की कागज, इंक, छपाई और सुरक्षा चिन्ह सब कुछ एकदम एक जैसे। सीबीआई एक बार फिर से सन्न रह गई। नोट एकदम असली और जब नोट असली हैं, तो फिर 500 का नोट 250 में क्यों बिक रहे हैं? नोटों को टोक्यो और हांगकांग की लैब में भेजा गया। वहां से भी रिपोर्ट आई कि नोट तो असली हैं। फिर इन्हें अमेरिका भेजा गया। जिसका डर था वही हुआ। अमेरिकन लैब से रिपोर्ट मिली, नोट तो नकली हैं। लैब ने यह भी कहा कि दोनों में इतनी समानताएं हैं कि पकड़ पाना मुमकिन नहीं, और जो विषमताएं हैं वे भी जानबूझकर डाली गई हैं। नोट बनाने वाली कोई बेहतरीन कंपनी ही ऐसे नोट बना सकती है। अमेरिका की लैब ने सीबीआई के सामने अपने दावों को सत्यापित करने के लिए साक्ष्य भी दिए। लैब ने बताया कि इन नकली नोटों में एक छोटी सी जगह है जहां इरादतन छेड़छाड़ की गई है। सवाल यह उठा कि आईएसआई द्वारा भारतीय बाजार में चलाई जा रही नकली करेंसी आखिर रिजर्व बैंक के खजाने तक कैसे पहुंची? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत के 500 और 1000 के जो नोट हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी है जिसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। दगाबाज नोटों की मशीन। कमाल यह भी है कि यही डेलारू कंपनी भारत को असली नकली नोटों की जांच के लिए मशीनों की भी सप्लाई कर रही थी। स्वाभाविक है, इन्हीं मशीनों के कारण देश में नकली नोटों की पहचान अभी भी नहीं हो पा रही है। जानकारों का मानना है कि ऐसी मशीनों को जब्त कर अगर इनके सॉफ्टवेयर की जांच कराई जाए तो एक और अंतर्राज्यीय आर्थिक साजिश का पर्दाफाश हो सकता है, जिसके कारण पूरे विश्व में नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। यूरोप में यूं आया भूचाल, तो फिर आरबीआई के खजाने में नकली नोटों का जखीरा पहुंचा कैसे? अभी इस सवाल पर विचार चल ही रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर सीबीआई की छापामारी के साथ ही यूरोप के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। देखते ही देखते करेंसी किंग रोबेट्रे ग्योरी की डेलारू कंपनी के शेयर लुढ़क गए। यूरोप में खराब करेंसी नोटों की सप्लाई का मामला तूफान की तरह छा गया। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स हसी ने आरबीआई को करेंसी पेपर की सप्लाई में गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। खबर है कि भारत सरकार ने डेलारू से अपने व्यावसायिक संबंध खत्म कर लिए हैं। जबकि डेलारू की चार प्रतियोगी कंपनियों को 16,000 टन करेंसी पेपर का ठेका दे दिया गया है। 2005 में देश में डेलारू कैश सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ऑफिस खोलने की इजाजत दी थी। सीबीआई अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि नकली नोटों के मामले में डेलारू आईएसआई के लिए भी काम कर रही थी। माना जा रहा है कि भारत के लिए असली करेंसी की सप्लाई के साथ साथ यही कंपनी आईएसआई को भी जाली नोटों की सप्लाई करती थी। देश में नकली नोट का संबंध 1991 से प्रारंभ आर्थिक सुधार से माना जा रहा है। उदारवाद के बाद चार कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चे की सरकार को सन 1996 से 97 में 3,35,900 करोड़ रुपए की नई मुद्रा छपवाने की आवश्यकता पड़ी। संयुक्त मोर्चा सरकार ने काले धन की समाप्ति के लिए स्वैच्छिक आय उजागर योजना VDIS शुरू की। VDIS में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का काला धन सामने आया। आरबीआई के टकसाल की क्षमता 2,16,575 करोड़ रुपए की थी, जिससे विदेशों से 1,20,000 करोड़ रुपए के नोट छपवाने मांग हुई। यह अहम प्रश्न है कि कांग्रेस
चारों कम्युनिस्ट पटिया विदेशों से नोट छपवाने पर क्यों सहमत हुई? इंग्लैंड की थॉमस डेलारू से 13,650 लाख 100 रुपए के नोट, जीएसके एंड डेवरिएट कंसोर्टियम से 16,000 लाख 500 रुपए के नोट और अमेरिकी बैंक नोट कंपनी से 6,350 लाख 100 रुपए के वाटरमार्क वाली मुद्रा छपवाने का इंतजाम किया गया। भारतीय मुद्रा छापने वाली विदेशी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश था कि वे भारतीय नोट की प्लेट, स्याही, वाटरमार्क कागज भारत सरकार को सौंपेंगी। वैसे इंग्लैंड की कंपनी डेलारू देश विदेशों की सरकारों के नोट छापती है। नमित वर्मा, आर्थिक विशेषज्ञ का प्रश्न यह है कि भारतीय नोट छापने वाली कंपनियों ने प्लेट लौटाई अथवा नष्ट किया नहीं? ऊपर के उद्धरण से पता चलता है कि अगर देश को मुद्रा की जरूरत है तो वह दो काम कर सकती है, एक काले धन के रूप में छुपी मुद्रा को बाहर निकाले और दो नई मुद्रा छपवाए। 1996 से 97 में हमारी सरकार ने दोनों कामों में लापरवाही दिखाई, एक सारे काले धन को जब्त करने की कोशिश नहीं की गई और दो विदेशों में मुद्रा छपवाई गई। नतीजा हम देख ही रहे हैं। जबकि विमुद्रीकरण एक ऐसा रास्ता है जिससे एक ही बार में दोनों समस्याओं, काला धन तथा मुद्रा की कमी का समाधान पाया जा सकता है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें।